हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आपने पिछले व्लॉग में देखा था भाई, हम लोग थे ढाका में, उसके बाद रात में ट्रेन पकड़ी थी, तो अभी सुबह यहाँ आ गए हैं खुलना, और खुलना से हम लोगों को जाना है कोलकाता मतलब इंडिया वापस, क्योंकि तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं है। तो भाई अब और यहाँ रुकना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, खाने पीने की भी इतनी दिक्कत है, हमने दिखाई आपको पिछले व्लॉग्स में। तो बस सुबह अभी यहाँ पर आए, उसके बाद यहाँ से खुलना से कोलकाता के बीच चलती है बंधन एक्सप्रेस, उसका यहाँ पर हम लोगों ने सुबह टिकट लिया, 8:15 बजे करीब काउंटर ओपन हो गया था, फटाक से टिकट मिल गया, ये कहो बढ़िया रहा यार। ठीक है, उसकी जर्नी तो आपको मेन चैनल पे मिलेगी, अभी यहाँ पर बस थोड़ा टहल रहे हैं स्टेशन पर ही, उसके बाद यहाँ पर रुकेंगे 1-2 घंटे, रेडी होंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। अभी आपको इस स्टेशन पे खुलना रेलवे स्टेशन पे जो रुकने का है, जो रूम्स वगैरह बने हुए ना, वो भी दिखाएंगे भाई क्या हिसाब किताब है यहाँ का। ये बात करी हुई है तो बोल रहा है कि 600 रुपये में हम आपको दे देंगे दो लोगों को नॉन एसी रूम। ये खड़ी हुई है अपनी चित्रा एक्सप्रेस, जिससे हम लोग आए थे ढाका से खुलना, बस अब ये वापस जाने वाली है खुलना से ढाका। भाई यहाँ पर कुछ सीन हो गया है, पता नहीं क्या पकड़ा गया है 1-2 लोगों को, और देखो हथकड़ी लगाई रखी है इन लोगों को। व्हाट हैपेंड ब्रो? भाई ये लोग असम से हम लोग वापस का, वी आर ट्रैवलर्स, वी आर फ्रॉम इंडिया, वी आर शूटिंग आवर वीडियोस। ये कह रहे हैं कि मतलब ये लोग आसाम से आ गए विदाउट वीजा, बिना पासपोर्ट। ओह, वी आर आल्सो ट्रैवल फ्रॉम इंडिया एंड वी हैव टेकन वैलिड वीजा पासपोर्ट, वी आर फ्रॉम आसाम। भाई सीन ऐसा है कि आसाम के कुछ लोग हैं अपने इंडिया के, बिना पासपोर्ट बिना वीजा के आ गए यहाँ पर। नहीं जो तुम लोग यहाँ से हैं, ये लोग आसाम से नहीं है भाई, बोल रहा है तो भाई आसाम से, अब कह रहा खुलना से ही है, खुलना से है तो फिर पासपोर्ट वीजा क्या करना है? स्टूडेंट है, हथकड़ी वगैरह तो लगी हुई है भाई, पता नहीं। मैटर क्या सुन लिया है? चलो भाई चलते हैं। चलिए सर, ओके ओके सर, टेक केयर, बाय बाय। चलो भाई पता नहीं क्या मैटर है, लेकिन हथकड़ी वगैरह लगा के रखी है। मोनू भाई कहाँ जा रहे हो? मैटर नहीं पता लगा है, पता नहीं, पहले तो बताया गया ऐसे कि भाई बिना पासपोर्ट वीजा का असम से आ गया, इधर से पकड़ा गया है। अब पता नहीं बाल्टी पलट दी, जब देखो हम लोग भाई हम लोगों ने बोला ना, हम आई एम ऑल्सो ट्रैवलर फ्रॉम इंडिया, तो फिर बात ही पलट दी, कह रहा ना ना ये नहीं है वो नहीं, तो कह रहा वीडियो बना रहे हो, अभी भाई अपनी वीडियो बना रहे, देख लो कैमरे में, डर गया भाई। तो ये भाई है, ये अपन को दिखाने जा रहा है रूम इधर पे, ये है खुलना रेलवे स्टेशन, यहीं पर ऊपर रुकने का हिसाब किताब है, देखते हैं कैसा रूम मिलता है यहाँ पे। ये है डबल बेड रूम, यहाँ तो भाई फर्नीचर बड़ा तगड़ा रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे ब्याह में आता है ना, दहेज वहेज में जाता है, वैसा लग रहा है हमको फर्नीचर रखा हुआ है इतना। भाई रूम देखा अभी, उसके बाद नीचे गए पेमेंट किया, अब ऊपर आए वापस यार। 2 मंजिल पे है, मतलब सेकंड फ्लोर पे है रूम, और एक फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पर तो हम ले आए यार लगेज, देख रहे हो ये बैग रखा हुआ है, अब इससे ऊपर ले जाने की भाई हिम्मत नहीं हो रही, ऐसी हालत ख़राब है ना भाई, तबीयत तो ख़राब चल ही रही है, और साथ में खाना पीना नहीं मिल रहा है बॉडी को, तो एनर्जी डाउन है। आई कुली वुली है क्या? एनी कुली अवेलेबल? दिख भी रहे थे 1-2 भाई, धोती वोती पहने हुए कुली थे, लेकिन सब भाग गए, पता नहीं कहाँ गए। दाढ़ी भी बहुत बढ़ गई यार, दाढ़ी बनाते हैं अभी, चलो सबसे पहले चल के रूम में दाढ़ी सेट करते हैं, बंधन एक्सप्रेस से बिल्कुल चमक के जाएंगे अच्छे से। तो अभी बस नहा धो के फ्रेश हो गए एकदम भाई, अब जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि सुबह की हमारी जो दवाई है वो भी अभी तक खाई नहीं है, वो भी खानी है, और 11 बज चुका है, और 12:15 तक फिर नीचे उतरना जाना है प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि 1:15 बजे है अपनी ट्रेन बंधन एक्सप्रेस, एक और इंटरनेशनल ट्रेन जर्नी। तो भाई समय नहीं है यार, पता नहीं इतनी जल्दी आज सुबह, फटाफट सुबह से समय निकला जा रहा है। अब देखते हैं इधर क्या खाने को मिलता है, भाई ढाका में तो मिला नहीं, खुलना में देखते हैं कितने हमारे भाग्य खुलते हैं खाने के मामले में।
नीचे जाना है। एक तो सेकंड फ्लोर पे दे रखा है यार रूम, इतना मेहनत करनी पड़ रही है, चला जा नहीं रहा है। तो अभी रेलवे स्टेशन के सामने वाली मार्केट में घूम रहे हैं, इससे पूछा तो कह रहे आगे जाके सीधे हाथ पे इधर आए, यहाँ तो भाई फिर बाहर आ गए, यहाँ से यहाँ तक कोई रेस्टोरेंट ही नहीं मिला। रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा यार यहाँ तो, अलग ही समस्या। खाना तो छोड़ो, रेस्टोरेंट मिलेगा तब तो कुछ मिलेगा, क्या है क्या नहीं है, क्या है इधर। और नारियल पानी छो रहे थे सुबह सुबह भाई, नारियल पानी मिल जाता तो नारियल पानी भी नहीं मिल रहा, पता नहीं यहाँ क्या है। बिरयानी मिल रही यहाँ, शायद बिरयानी है यहाँ, बिरयानी मिल रही है लेकिन बिरयानी खानी नहीं यार हमको, इच्छा ही नहीं है। सही है, तबीयत ख़राब हुई है ना, तो कुछ चीज़ें मतलब खाने का मन ही नहीं कर रहा, कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी हो गई, जैसे बिरयानी हो गई, कुछ भी तेल मसाले वाली चीज़। वो देखो ठेले पे क्या दे रहा है, आओ देखते हैं भाई। मूवी हॉल है इधर, वाह ये है समोसा, आय है, बस भाई यही खाया जाएगा, ये काम बिरयानी का। समोसा बन रहा है गर्म, कितना टका दादा? 5 टका 5 टका 5 टका चटनी, हरी चटनी कैसा, खट्टा है कि तीखा? खट्टा है, तीखा ना। यहाँ पर समोसा मिल रहा था भाई, तो ताजा ताजा निकल रहा है समोसा, बन रहा है यहाँ पे, सोचा चलो यहाँ पे खा लेते हैं समोसा। और मोनू भाई चले गए पीछे यहाँ बिरयानी खाने, और ये आ गई अपनी समोसे की प्लेट, 5 टका का एक समोसा है, और ये देखो छोटा छोटा समोसा है लेकिन सही है, गर्मा गर्म फ्रेश है। चलो खाते हैं, देखें कैसा है यहाँ का समोसा। पहली चीज बांग्लादेश में जो अभी तक सबसे टेस्टी लगी यार, बढ़िया टेस्ट भाई, मजा आ गया। यादव, यादव आई एम यादव। मोनू भाई गए थे बिरयानी खाने, क्या हुआ भाई? बिरयानी अभी आया नहीं, आ गए वापस समोसा खाने, कैसा लगा? है जबरदस्त, मजा आ गया भाई। और अपने यहाँ पर एक भैया मिले हैं बांग्लादेश से, हेलो बोलो भैया। हेलो या कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। चलो खाते हैं फटाफट समोसा, दो लिए भी और लेते हैं, दो और लेते हैं। तो अभी वो जो भैया थे ना यहाँ पर खुलना के ही हैं, तो बता रहे थे सिंगापुर वगैरह गए हैं, वहाँ काम वाम चलता है इनका, तो इंडिया से काफ़ी लोगों से जान पहचान है, दोस्त वगैरह हैं, कह रहे सिंह है, पंजाबी हैं, ऐसे ऐसे दोस्त हैं। मैं बताया हाँ, हमसे कह रहे हैं आप सिंह, हम नहीं हम यादव हैं, तो उसके ऐसी बातचीत चली। उसके आखिरी में समोसे के पैसे भी उन्हीं ने दे दिए, मना करते रहे उसके बाद भी दे दिए। बिहेवियर वगैरह में काफ़ी बढ़िया थे। बात यह है ना कि जो लोग इंडिया वालों से दोस्ती है, इंडिया के लोगों को जानते हैं, जो जानते हैं तो वो मानते हैं क्या, नहीं तो भाई जो जानते नहीं है ना वो मानते हैं, ऊपर से कैसी लूट टाइप की होती है वो तो हमने आपको पिछले ब्लॉग्स में दिखाया ही है, कि मतलब 100 से 400 तक आपको चार्ज किया जाएगा, ये सीन है। हर जगह नहीं है लेकिन ज़्यादातर जगह ऐसा ही है, यहाँ ये थोड़ा सा है। चलो आगे साइड जा रहे हैं यार, नारियल पानी मिल जाए तो यार नारियल पानी और पी लें, समोसे तो हो ही गए मस्त, नारियल पानी पी लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। बिरयानी भी नहीं मिला मोनू भाई को तो, लेकिन समोसा भाई जबरदस्त था, मानना पड़ेगा, ये कह सकते हैं अभी तक बांग्लादेश में हो गए भाई 4-5 दिन अभी तक की सबसे टेस्टी चीज़ थी ये, कहोगे एकदम भाई मलाई जैसा समोसा यार। फाइनली बहुत देर ढूंढने के बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर नारियल पानी पे, कितना? ओबो बिक गया, वाह भाई। चलो ये हो गई अपनी नारियली कटिंग, अब देखना कैसे निकलेगा पानी। बट ये टपली खोल दी बस, अपना भी नारियल तैयार। मलाई हो गए दादा? मलाई में हो गए? मलाई नहीं है। ओह शिट मैन, अपना आ गया नारियल पानी तैयार, और ये मलाई नहीं है लेकिन 70% का है ये वाला। ढाका में तो देख ही रहे थे यार 100-120 ऐसा मिल रहा था, यहाँ 70 का है, लेकिन थोड़ा साइज का भी अंतर है, वहाँ थोड़ा जो 120 का था वो थोड़ा बड़ा था, ये 70 वाला थोड़ा सा छोटा है। एक नारियल हम लोगों ने पी लिया, अब दो नारियल करा लिए हैं पार्सल। देखो टांग देखो मोनू भाई, ये देखो जुगाड़, ये है जुगाड़ टांगने का। तो फाइनली मोनू भाई को मिल गई बिरयानी, कैसी है? सही नहीं है, सही है। कोई राइस है यार, चावल छोटा छोटा चावल रहता है,
पीस सही है, पीस पका हुआ है सही से। ठीक है भाई, हम तो खाएंगे नहीं बिल्कुल भी। बस अभी मार्केट से खाना खा पी के आ गए। खाना क्या भाई, समोसा साथ में ले आए, ORS दो चार समोसे पैक करवा लिए ताकि ट्रेन में कुछ तो खाने को रहेगा, नारियल पानी साथ में, ट्रेन में इसी से काम चलेगा। भाई थक गए, पूरी एनर्जी जो थोड़ी बहुत बची थी पूरी, इतना आगे तक गए ना पैदल पैदल, वो भी धूप में गर्मी थी, पूरी एनर्जी डाउन हो गई। अब एक आध ये पीना पड़ेगा तब जाके ट्रेन के लिए थोड़ी एनर्जी आएगी ब्लॉग बनाने के लिए। चलो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अब देखो, अब सीधा मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में इंडिया में। तब तक ली टाटा, बाय बाय।